इंडिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई महाराष्ट्र से ट्रेनिंग की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है। इस ट्रेनिंग स्कीम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाए गए हैं ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से। 22 मई तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इन ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग स्कीम में अलग अलग दो कैटेगरी में टोटल 4162 वैकेंसी हैं। पहली कैटेगरी बीएससी और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है जिसमें 1216 वैकेंसी हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट को 24,000 का स्टाइफंड मिलेगा ट्रेनिंग के साथ हर महीने। और दूसरी कैटेगरी एसएससी एचएससी आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है जिसमें 2,946 वैकेंसी हैं और इस कैटेगरी में सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग के साथ हर महीने 20,000 रुपए मिलेगा। मींस यह पूरी तरह से स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग स्कीम है और यह ट्रेनिंग स्कीम 2 साल के लिए है जिसके दूसरे साल में स्टाइफंड भी 2,000 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, यानी कैटेगरी 1 में 26,000 और कैटेगरी 2 में 2,200 रुपए हो जाएगा स्टाइफंड मंथली। कैटेगरी 1 में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्यूटर साइंस एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर केमिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और यहां पर दिखाए जा रहे डिसिप्लिन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स या बीएससी किए हुए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा एंड बीएससी में 50% मिनिमम होना चाहिए। महिला पुरुष और हर कैटेगरी के साथ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पर रिजर्व सीट्स रखी गई हैं और जनरल कैटेगरीज के लिए भी। कैटेगरी 2 में डिफरेंट रेट्स में अप्लाई किया जा सकता है फिटर वेल्डर इलेक्ट्रिशियन रेफ्रिजरेशन कारपेंटर डेंटल टेक्नीशियन और यहां पर दिखाई दे रहे 19 रेट्स में एसएससी एचएससी आईटीआई या डिप्लोमा कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ट्रेनिंग में एसएससी के साथ ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए और कुछ ट्रेनिंग में जरूरत नहीं है इसकी। कैटेगरी 1 में मिनिमम एज 19 और मैक्सिमम 24 ईयर है। कैटेगरी 2 में मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 22 साल है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगा गवर्नमेंट नॉर्म से। कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि 1 घंटे का होगा उसके बेसिस पर सिलेक्शन होना है इन ट्रेनिंग के लिए। प्रिलिमिनरी एडवांस और स्किल टेस्ट होंगे सिलेक्शन के लिए। कैटेगरी 1 की एप्लीकेशन फीस 150 है और कैटेगरी 2 की एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज है दोस्तों। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और विमेन कैंडिडेट्स को फीस नहीं पे करना है, रिलैक्सेशन है। पूरे इंडिया के डिफरेंट सिटीज में एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। इस एग्जाम के पहले कहां पर एग्जाम देना है उसका एडमिट कार्ड इश्यू होगा जहां आपने चूज किया हो इन सिटीज में से। इस एग्जाम में आप अप्लाई बार्क ऑनलाइन एग्जाम वेबसाइट से कर सकते हैं जो पर्टिकुलर इसी के लिए है। यहां दिखाए जा रहे डॉक्यूमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। इस ट्रेनिंग के सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को टेक्नीशियन एंड साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रखा जाएगा। आज से यानी कि 24 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा 1 महीना आपके पास। अब देखते हैं अप्लाई किस तरह से करना है दोस्तों। तो अभी हम देख लेते हैं कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। बार्क की वेबसाइट पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ करंट अपॉर्चुनिटीज का एक टैब मिलेगा, रिक्रूटमेंट पर जाएंगे तो आपको न्यू वैकेंसीज पर क्लिक करना है जिससे आप इस पेज पर आ जाएंगे जो कि बार्क का करियर पेज है। अब इसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट के लिए। आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन के लिए और अगर आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लोडिंग होने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा जहां पर आपको होम एडवर्टाइजमेंट हाउ टू अप्लाई एफएक्यू का ऑप्शन मिल रहा है। हाउ टू अप्लाई पर आप क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी स्टेप मिल जाएंगी कि किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है एंड देन लॉगिन करके अप्लाई करना है। यहां पर भी दिया हुआ है कि सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपकी इमेज अपलोड करना है, सिग्नेचर की भी इमेज अपलोड करना है, फिर लॉगिन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फीस जो मैंने आपको बताई थी 100 या 150 वो पे करना है और फिर एप्लीकेशन का प्रिंट ले लेना है। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आप हिंदी में भी पीडीएफ में यहां पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहां शो होने लगा है कि आज से अभी 10 बजे से यह प्रोसेस शुरू हो गई है। अभी 10:13 हुआ है और यह ध्यान रखिए आपको अगर कॉन्टेक्ट करना है तो 10 बजे से 6:30 बजे के बीच में ही आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मंडे से सैटरडे। मोर क्वेरीज के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, टेक्निकल नंबर यहां दिया हुआ है आपको। लास्ट डेट यहां पर 22 मई है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फी की। तो
ध्यान रखिए, इसके पहले ही आप कर लीजिए। अब आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पेज मिलेगा जो आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको प्राइमरी डिटेल जैसे आपका नाम, नेशनलिटी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, रिलीजन, स्टेट, डोमिसाइल पिक करना है। उसके बाद आपको डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि परमानेंट एड्रेस देना है। अगर वो करेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, अलग है तो यहाँ पर दोबारा आपको अपना दूसरा एड्रेस टाइप करना होगा। फिर आप मोबाइल नंबर दीजिए, उसमें 0 या +91 नहीं दीजिएगा। कंफर्म मोबाइल नंबर फिर से दीजिए, ईमेल आईडी दोबारा उसे यहाँ टाइप कीजिए, अल्टरनेट नंबर है तो दीजिए, आधार नंबर दीजिए और फिर से आधार नंबर को टाइप कीजिएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको देना है यानी कि आपका ईमेल आईडी आप यहाँ दीजिए और फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है, उसको यहाँ पर लिखना है और कैप्चा को एंटर करके आपको नीचे OTR रिव्यू करना है यानी पूरा फॉर्म आपको वापस देखना है और फिर सबमिट करना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस वेबसाइट पर आना है और फिर आपको यहां पर लॉगिन बटन को प्रेस करना है। लॉगिन पर प्रेस करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिला है वो देना है, उसको आपको पासवर्ड यहां दोबारा करना है, इस कैप्चा को पिक करके आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको फीस जमा करना होगा और एप्लीकेशन का प्रिंट आपको निकाल करके रख लेना है। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ये फॉर्म भरना है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी जरूरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।